हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बी एम के मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और है जो BS6 है उसमें बहुत सारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके लिए आप लोगों को जो बूट है उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कैसे निकलता है। तो पहले हम डिक्की को खोल के देखेंगे। डिक्की को खोल इधर से खोल के पहले सीट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर की 4 बोल्ट है, ये एक और इधर में 2, ये 2। तो इसको जल्दी से मैं खोल के लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इधर का कनेक्टर भी है OBD स्कैनर का, और जो बूट लैंप है उसका कनेक्टर है, उसका जो कनेक्टर है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको खोल के लेते हैं पहले। आप लोगों के पास टी है तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 नंबर की 10 mm की टी टी से मतलब आसानी होता है इसका इसको खोलने के लिए। और आप लोग सॉकेट जो है उसके मदद से भी खोल सकते हैं, लेकिन टी मुझे ज़्यादा अच्छा लगते हैं। टी से जल्दी जल्दी खोल जाता है ये। और इधर में बारिश भी आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी तो खोल लेता हूँ। जो 4 बोल्ट थे उसको सारों को मैंने खोल लिया। अभी देखिए इसका कनेक्टर रहता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसको देखिए, इसका 2 कनेक्टर रहते हैं, 2 नहीं 3 रहते हैं। एक आपका OBD स्कैनर का, और दूसरा जो है वो बूट लैंप, और आपका स्विच जो है इसका इधर में। तो मैं दिखा रहता हूँ आप लोग कैसे खोलते हैं। इसको ऐसा खींचना है अपने तरफ, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। देखिए निकल गया। और इधर में भी देखिए, ये आपका जो लाइट है उसका है। और इधर इधर में भी देखिए, इसको आपको खींचना है, उसके बाद ये देखिए निकल गया ये कपलर भी। और एक है ये, इसको आपको प्रेस करना होगा। देखिए इधर में इसको देखिए, इसको प्रेस करना होगा। इसको देखिए, इसको से ये देखिए खुल गया। अभी डिक्की जो है वो एकदम से फ्री है, इसको हम ऐसे रख देंगे। तो BS6 जो गाड़ी है उसमें सब गाड़ी में FI लगाए हुए होते हैं। तो FI का देखिए, ये आपका इंजेक्टर है, ये आपका फ्यूल पंप है देखिए, और ये थ्रॉटल बॉडी है देखिए। इसको थ्रॉटल बॉडी कहते हैं, ये देखिए थ्रॉटल बॉडी है। तो FI गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम मतलब बहुत चीज़ को देखना पड़ता है। तो पहले हम प्लग को ही देख लेते हैं। मैं जानता हूँ प्लग का ही कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि BS6 मेरा नया गाड़ी है, BS6 गाड़ी, इसलिए कुछ और चीज़ों का प्रॉब्लम होने का मतलब चांस कम रहते हैं। इसलिए पहले मैं प्लग को ही देखूंगा, क्योंकि प्लग का जो प्लग में बहुत सारा कार्बन जमा हुए होते हैं, इसलिए प्लग बंद कर देते हैं। इसलिए मैं पहले प्लग को ही देखूँगा। और एंटोर का प्लग इधर में रहते हैं देखिए, ये नीचे में। तो इसके लिए ये जो है ये कवर हमें खोलना पड़ेगा प्लास्टिक का। और इसका 4 स्क्रू है, इधर में 1 और नीचे में 2। ये देखिए ये 1 और ये 1, ये 2 है स्क्रू। इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको भी खोल के लेते हैं। तो देखिए जो 4 स्क्रू थे उसको मैंने खोल लिया। तो अभी देखिए इधर में 2 लॉक है, ये और इधर में 1। इसको आप खींचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया, इधर का भी। ये देखिए निकल गया। तो एंटोक की जो प्लग है वो इधर में रहते हैं देखिए, ये वाला। तो प्लग कैप को भी निकल के लेंगे। यंत्र का थोड़ा मुश्किल है खोलना। ये देखिए प्लग कैप निकल गया, इसको अभी ऊपर में रखते हैं।
तो अभी देखिए ये एंथॉर्प के लिए ये प्लग रेंस लगेंगे। ये एंथॉर्प के साथ कोई भी प्लग रेंस नहीं आता है, इसलिए ये मेरा जो जावा है मतलब भाई का जो जावा है ये जावा का प्लग रेंस है। जो शॉर्ट प्लग रेंस है उसको हम इधर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारा नीचे में रहते हैं बहुत, तो इसलिए ये प्लग रेंस हमको लगेगा। खोल के लेते हैं इसको डबल की मदद से। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आप लोग जानते हैं ये बहुत मेहनत लगते हैं एक वीडियो बनाने में, और ये गाड़ी का काम ज़्यादा आसान भी नहीं है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा जल्दी से 1K होने वाला है इसलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए ये लूज़ हो गया, अभी इसको जल्दी से निकाल के लेता हूँ। एंथॉर्प का जो इंजन है ना वो बाकी सब स्कूटी से अलग है क्योंकि इसमें 3 वाल्व रहते हैं, तो इसलिए इंजन जो हेड है थोड़ा इसका बड़ा है हेड। और गाड़ी पिकअप आपको मानना पड़ेगा, पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। तो ये देखिए प्लग की हालत, और ये एनजी का प्लग मैंने लगाया था। तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा क्लीन करके देखेंगे कि स्टार्ट अभी हो रहे हैं कि नहीं अच्छे से, तो इसको क्लीन कर लेंगे पहले। और क्लीन करने के लिए हम लोग सैंड पेपर को यूज़ करेंगे। पहले इसको मैं डीजल में थोड़ा सा रखूँगा नीचे, उसके बाद मैं सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगा। तो सारे प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा दूँगा अभी, तो चलिए इसको जल्दी से क्लीन करते हैं। तो ये डीजल ही है, मतलब आप लोग काला समझ के इंजन और मत समझना, ये आपका डीजल ही है। मतलब मैं इंजन का काम करते रहता हूँ तो इसमें वॉश करता हूँ, इसलिए ये ऐसा हालत हो गया है। तो पहले हम ऐसे डुबा के रखेंगे थोड़ा टाइम। उसके बाद एक ब्रश की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। फिर में बारिश चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, तो माफ कीजिएगा बारिश चल रहा है अभी, इसलिए मैं गाड़ी ऊपर लाया हूँ मेरा घर में। तो मेन दो चीज़ है, हमको कार्बन क्लीनिंग करना है, कार्बन जो रहते हैं प्लग में उसको क्लीनिंग करना है। तो अभी इसको कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्योंकि कोई कोई इस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं तो उसको अभी सलूशन मिल जाए। और गाड़ी का आपका जब भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो ना तभी आप लोग प्लग ही देखना पहले, मतलब गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो प्लग में ही रहता है ज़्यादा। तो ये तो प्लग का देखिए ये जो आपका पॉइंट है इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। यही मेन है, इधर से इसको क्लियर होता है तो इसको अच्छे से क्लीन करना होगा आप लोगों को। ये जो मिडिल में जो पॉइंट है इसका नाम पता नहीं है क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से क्लीन करना होगा। तो इसको मेरे से जितना हो सके मैंने क्लीन कर दिया है इसको। तो देखिए मैंने अच्छे से सारे से इसको क्लीन कर दिया, देखिए ये पॉइंट भी मतलब अच्छे से क्लीन हो गया। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं गाड़ी में जल्दी से। तो इधर से पिस्टन देख सकते हैं आप लोग, पिस्टन देखता है इधर में, किक मारो ज़रा, ये देखिए पिस्टन अंदर में मूव कर रहा है देखिए। तो अभी इसको फिटिंग करेंगे। तो अंदर में थोड़ा सा गंदा है लेकिन कैसे निकालो सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब अंदर में नहीं जाएगा ये, कुंभसन चैम्बर में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा लेकिन नहीं जाएगा।
तो उसको फिटिंग कर दो। और आप लोगों का नया प्लग है तो उसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल के ही फिटिंग करें, ताकि आप बाद में जब खोले तो प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा तो पुराना ही था, मैंने उस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा के लगा दिया है। तो अभी प्लग जो कैप है उसको लगा देंगे। तो प्लग कैप लगाना तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा प्रेस कर देना है। ये देखिए लग गया। अभी जो इसका कवर है उसको भी लगा देंगे। ये देखिए लग गया। तो अभी आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ कि ये अभी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो सभी ऑन कर दिए, फ्यूल पंप चलेगा। आप लोग देखिए ये ऑन किया, देखिए चल गया। तो चलो किक मारो। तो एंटॉर्क में ऑटोशॉक रहते हैं, इसलिए जो आरपीएम है वो थोड़ा बढ़ के रहते हैं, ऑटोशॉक रहते हैं इसमें। आप लोग थोड़े देर के बाद इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनिएगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसमें ऑटोशॉक रहते हैं। और ये जो मेरा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो किक के वजह से हो रहे है, किक थोड़ा मेरा हार्ड है इसलिए हो रहे है। ये देखिए आरपीएम ऑटोमेटिक से कम गया। इसमें ऑटोशॉक रहते हैं एंटॉर्क में, जिसके पास एंटॉर्क है उसको पता है इसमें ऑटोशॉक है। और इसका ऑटोशॉक का काम है गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाए, इसलिए ऑटोशॉक कंपनी वालों ने दिया है। तो देखिए गाड़ी अभी मस्त हो गया है। तो एंटॉर्क के जो आरपीएम है उसको इधर से आप लोग बढ़ा सकते हैं। इधर में देखिए एंटी क्लॉकवाइज को मना है इसको, सेल्फ मारो। ये देखिए आरपीएम बढ़ रहा है अभी। ये देखिए बढ़ रहा है आरपीएम। तो इसके मदद से आप आरपीएम को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा आरपीएम थोड़ा कम है इसलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ अभी। आप लोगों को हमने दिखा दिया एंटॉर्क का जो स्टार्ट, एंटॉर्क नहीं सभी स्कूटी का आपका सेम ही होगा। मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप लोग पहले प्लग ही चेक कीजिएगा। तो मैंने पहले भी आप लोगों का वीडियो बनाया था स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर, तो ये मैंने सोचा एंटॉर्क के लिए मैं अलग से बना दूँ। तो आपका सब स्कूटी का सेम ही होगा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो तो पहले आप लोग प्लग ही चेक कीजिएगा, उसके बाद दूसरे चीज़ आते हैं जो फ्यूल पंप है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं उसको भी देख लीजिएगा। तो इसको मैं जल्दी से फिटिंग करके लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। और एक मैं आप लोगों को बात बता दूँ, आप लोग कभी लॉन्ग राइड के लिए जाते हो तो बहुत से लोग लॉन्ग राइड के लिए जाते हैं, कभी कहीं दूर दूर जाते हैं, तो इसलिए आप लोग जो बेसिक टूल्स है मतलब प्लग खोलने का वो आप लोग के साथ ही रखे, तभी आप लोग मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ऐसे जगह में गाड़ी ख़राब हो जाता है जहाँ पर कोई गैरेज भी नहीं है, इंसान भी नहीं रहते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को ये जो बेसिक टूल है उसको काम आएगा। तो इसलिए आप लोग साथ में ये रखिए बेसिक टूल। तो इसको मैं जल्दी से फिटिंग करके लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
डिक्की जो है वो फिटिंग हो गया। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज़, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।